समाचार जगत के जाने माने मशहूर पत्रकार व मौजूदा समय में आज तक के मशहूर शो दंगल के एंकर का कल सुबह हार्ट अटैक से हुई मौत। रोहित के इस आकस्मिक मौत से पूरे मीडिया जगत सदमे में, मिलकर दी श्रद्धांजलि। IHRC न्यूज 24/7 रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सदा के लिए खामोश दंगल का उस्ताद। तड़के 4 बजे बिगड़ी थी तबीयत, खबर सुनाते सुनाते रोने लगी साथी एंकर्स। नहीं रोक पाए कोई भी एंकर्स अपनी भावना। लाइव न्यूज में आंखों से झलके आंसू, बोली उसने कहा था कि 2 मई को आ जाऊंगा। पत्रकार रोहित सरदाना के निधन के बाद शर्जील ने उगला जहर। पत्रकार के निधन पर जहरीले शब्द लिख मना रहा जश्न। बिहार BJP उपाध्यक्ष ने ट्विटर से शर्जील का अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की। लॉन्चिंग के दौरान फेल हुई रूसी नौसेना की कैलिबर क्रीज मिसाइल, गोल गोल घूमकर समुद्र में जा गिरा। सोशल मीडिया पर लीक हुआ वीडियो, रूसी सेना के चैनल ने दिखाया था सफल लॉन्च। कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनाव में BJP को मिली करारी शिकस्त। 10 में से 7 नगर निकाय में जीती कांग्रेस, सिर्फ 1 में BJP विजयी। कांग्रेस को 119, JDS को 67 और BJP को 56 पर मिली जीत। शिव कुमार ने किया ट्वीट, मुश्किल वक्त में जनता की मदद करें, जश्न न मनाएं। ऑक्सीजन की कमी के चलते अब सोशल मीडिया पर हो रही कालाबाजारी। व्हाट्सएप के जरिए ऐसे लाखों में हो रहा सांसों का सौदा। दलाल ने पीड़ित से 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के लिए 1.5 लाख रुपए की डिमांड। कंसंट्रेटर मशीन की कीमत है करीब 40,000, लेकिन इसके लिए लोग से वसूल रहे हैं लाखों रुपए। जिले में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है कंसंट्रेटर मशीन, किराए के नाम पर भी हो रही मोटी वसूली। राज्यपाल के आदेश पर बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी के शेड्यूल में बदलाव। 31 मई 2021 तक सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बंद रखने का आदेश। इस बार जून के बजाय 1 मई से 31 मई तक रहेगी गर्मी की छुट्टी। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने छात्र छात्राओं के हित को देखते हुए लिया यह निर्णय। पहले राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी छुट्टी कैलेंडर में यह छुट्टी 1 जून से 30 जून तक की गई थी घोषणा।